तो लेट स्टार्ट द वीडियो। रुको रुको रुको, मैंने तो इंट्रो दिया ही नहीं, देकर भी क्या फायदा, तुम लोग देखते ही नहीं हो, पर देना तो पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम सभी लोगों को पता है कि कित्रेसु का लास्ट एपिसोड कैसा है, बट हम में से बहुत सारे लोगों को ये एंडिंग पसंद नहीं आई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं कित्रेसु के एक फैन मेड एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि तुम सभी लोगों को ये एंडिंग पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा ये फैन मेड एपिसोड 331 के बाद से शुरू हो रहा है। तो कित्रेसु बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और थोड़े बड़े होने के बाद उसकी मियोको से शादी होती है। और जब कित्रेसु 22 साल का हो जाता है और वो खुद बिना डाइयाका के एक टाइम मशीन बना लेता है, और फिर वो अकेले कोरोसुके को लेने के लिए टाइम मशीन से एंशिएंट पीरियड में जाता है। लेकिन जब कित्रेसु वहाँ पहुँचता है तो उसे कित्रेसु साई का घर जला हुआ मिलता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे बहुत ढूंढने के बाद कोरोसुके रोता हुआ मिलता है और वो कहता है कि मैं कित्रेसु साई को नहीं बचा पाया, वो उन्हें पकड़ के लेकर चले गए। तब कित्रेसु पहले तो कोरोसुके को देख के रो पड़ता है, बट फिर कित्रेसु बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे डाइयाका मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन मैं कित्रेसु साई को जेल में नहीं छोड़ सकता, चाहे इसके लिए मैं फ्यूचर में साइंटिस्ट रहूं या ना रहूं। तो यहाँ पर क्योंकि कित्रेसु साई को रेस्क्यू करने वाला है तो इससे पास्ट चेंज हो जाएगा और शायद कित्रेसु को डाइयाका मिलने से पहले वो या तो जला दी जाएगी या वो पास्ट में ही कहीं खो जाएगी और कित्रेसु एक फेलियर बन के ही रह जाएगा बिना डाइयाका के। और फिर कित्रेसु और कोरोसुके वहाँ जाते हैं जहाँ पर कित्रेसु साई को कैद करके रखा था, और कित्रेसु अपने बनाए बेहतरीन डिवाइसेस से बिना किसी को पता चले ही कित्रेसु साई को वहाँ से निकाल लेता है। और फिर कित्रेसु साई कित्रेसु को डाइयाका देते हैं जो वो कहीं जंगलों में छुपा कर रखते हैं, जो उन्होंने और कोरोसुके ने मिलकर छुपाया था। और उस वक्त कित्रेसु बोलता है, अब मुझे ये डाइयाका नहीं चाहिए, मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत छोटे कित्रेसु को है। लेकिन अब तीनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस डाइयाको को कहाँ छोड़े। तो वो इसे उस टाइम में ले जाते हैं जहाँ कित्रेसु के डैड अपने होम टाउन आए थे, और बड़ा कित्रेसु उनको ये डाइयाका दे देता है अपने बनाए एक बेहतरीन इन्वेंशन की मदद से, जिससे कित्रेसु के डैड को कुछ पता भी नहीं चलता वो डाइयाका उन्होंने कब उठाई। और फिर कित्रेसु साई से कहता है कि आप मेरे साथ फ्यूचर में चलिए, और वो कित्रेसु साई को अपने रूम में ले आता है जो कि कित्रेसु का सपना था। इस सपने के बारे में कित्रेसु ने कित्रेसु साई के डुप्लीकेट वाले एपिसोड में बताया था, और प्रेजेंट में आकर उन्हें पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला है। दरअसल कित्रेसु साई को सबसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया था जिससे कि वो वहां से भाग ना सके। लेकिन जब कित्रेसु साई सैनिक और राजा के सबसे कड़ी सुरक्षा से भाग गए तो राजा ने सोचा ये बातें सबको पता चले तो उनका साम्राज्य विरोध कर सकता है, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि कित्रेसु साई मारे गए और वो अब नहीं रहे। बट असल में कित्रेसु साई कित्रेसु के पास थे और वो प्रेजेंट में थे। कित्रेसु साई और कोरोसुके कित्रेसु के बनाए इन्वेंशन को देखकर हैरान हो जाते हैं, और फिर कित्रेसु एक बड़े से कॉन्फ्रेंस में जाता है और सबके सामने ये रिवील करता है कि आज तक उसने जो भी इन्वेंशन किया है सब कित्रेसु साई के कारण, और वो उन्हें यहाँ लाना टाइम मशीन की मदद से ही संभव हुआ है। फिर कित्रेसु साई वहाँ आते हैं और उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलती है जो वो डिजर्व करते हैं, और हमें ये दिखाया जाता है कि कित्रेसु सोच रहा होता है मुझे सिर्फ कोरोसुके को वापस ही नहीं लाना था, मुझे कित्रेसु साई के लिए भी बहुत कुछ करना था जो उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे बचपन को इतना अच्छा बनाया अपने इन्वेंशन के साथ, और मुझे भी उनके लिए बहुत कुछ करना था जो अब मैंने कर दिया। और हमें ये दिखाया जाता है कि कित्रेसु साई के आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि मैं फुजिको या फुजियो नहीं हूँ, तो अगर मेरी स्टोरी से तुम्हें कहीं भी थोड़ा भी बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैंने इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है जितना मैं इसको कर सकता था, क्योंकि लास्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बुरा भी तब लगा था जब मुझे पता चला कि पूरे YouTube पर कित्रेसु का एक भी कित्रेसु ट्यूबर नहीं है। तो मैं एकमात्र कित्रेसु ट्यूबर हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो कित्रेसु रिलेटेड कंटेंट के लिए। और अगर कित्रेसु की मूवी देखना चाहते हो, हाँ कित्रेसु की मूवी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे मूवी को देखा जाता है। और हाँ, फॉलो करके ही किया करो, अच्छा लगता है।
तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो, ये मेरे चैनल की एक बेहतरीन वीडियो है, तो तब तक के लिए बाय बाय।